हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पे, और हम लोग जा रहे हैं लेह लद्दाख वाया मनाली। तो इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप देखना चाहते हैं हमारी सबसे अट्रैक्शन का पॉइंट जो रहेगा हमारी सेडान कैंपर कार। तो उसमें ही हम अगले 20-25 दिन सोने वाले हैं, खाने वाले हैं, रहने वाले हैं, सब कुछ गाड़ी में ही करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। और अभी बज गए हैं 5:30, तो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से निकलता हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है, गाड़ी पूरी लोड है, बस एक बैग था मेरा, लैपटॉप बैग, वो उठाना है और मुझे निकल जाना है। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं और फिर गाड़ी में ही आप लोगों से मैं बात करता हूँ। तो गाइज, अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, काफ़ी देर हो गई है, और आ गए हैं अभी हम कुंडली हाईवे पे। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, और ये इधर कीर्ति बैठी हुई है, सुबह सुबह नहा के आई है, बाल वाल धुले थे तो ऐसे ही बैठी हुई है। तो बस निकल चुके हैं हम अपने सफ़र पे, और इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो, और हमारे लिए दुआ करें कि हम सही सलामत पहुँचें और सही सलामत वापस अपने घर पे आएँ। थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है इस बार रुकने का, तो काफ़ी कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही स्पेशल वन के साथ लद्दाख ट्रिप पर जा रहा हूँ, और वो लोग मनाली में ही मेरे को मिलेंगे जो कि पहले काफ़ी ट्रिप कर चुके हैं, काफ़ी लोकेशन मनाली के आसपास और स्पीति वैली वगैरह लोकेशन कवर कर चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ रहेगा, तो थोड़ा हम उनको फॉलो करेंगे। जी हाँ, तो चलिए अभी थोड़ा सा झटपट निकलते हैं और थोड़ी दूरी तय करते हैं फटाफट। तो गाइस, हम लोग चंडीगढ़ हाईवे पे आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद सुखदेव ढाबा आने वाला है, जो कि ये लड़का रोकेगा नहीं। नहीं यार, मैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, थोड़ी मेरी तबीयत रात में ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम लेट हो गए हैं, तो हम नॉन स्टॉप जाएंगे जितना कोशिश कर सकेंगे, एक स्टेल नहीं लेंगे, लेकिन आज नहीं रुकूंगा बस। अरे नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे रुकना भी नहीं है, मुझे पता है आप हमेशा रोकते हो। अभी चाय पीने का भी मन नहीं है, जब चाय पीने का मन होगा बस तब एक स्टे लेंगे, वरना नॉन स्टॉप चलते रहेंगे आज। और ट्रैफिक अभी ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो इसलिए जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा होगा इस टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे कवर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि चंडीगढ़ तक रोड अच्छे हैं, तो जितना जल्दी हो सके मैं चंडीगढ़ पहुंच जाऊं, क्योंकि पहाड़ पे तो आप ज़्यादा रैश ड्राइव कर नहीं सकते, वहाँ तो जैसे सड़कें वैसे ही चलना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ चंडीगढ़ तक जल्दी कवर कर लूँ। यस, तो आप देख लीजिए, अभी सुबह का टाइम है और अभी काफ़ी रास्ता खुला खुला सा है, ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, और स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, वैन में करके बचपन की याद आ गई। यस, और ये तो गई नहीं कभी स्कूल। हाँ, मैं नहीं गई स्कूल, क्योंकि ये मेरे स्कूल के चक्कर काटते थे ना रोज, इसलिए इनको पता है कि मैं स्कूल नहीं गई कभी। इसके चक्कर में मैं चक्कर काट काट के पड़ गया और ये आई नहीं स्कूल में। तो गाइस, सेकंड टोल आ गया है। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं सोनीपत, और ये हमारे घर से पड़ा है दूसरा टोल। यस, और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा क्यों होता है कि जिसमें आप खड़े हो वो लाइन नहीं चलती, बाकी अगल बगल की सारी चलती है? पता नहीं क्यों होता है, पता नहीं, आज तक किसी ने पता कर नहीं पाया। ये देखो, ये लाइन भी चल रही है और उधर वाली भी चल रही है, हमारी वाली लाइन में बीच में ना एक कार जो है। तो गाइस, अभी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है पानीपत, ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है, और
और इस हिसाब से अगर ज़्यादा ट्रैफिक ना हमें मिला तो मेरे ख्याल से 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से एक एवरेज स्पीड पे 9 घंटे के आसपास लगते हैं, तो बहुत सही टाइम तक हम पहुंच जाएंगे 7-7:30 बजे तक। 11 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे? अभी 8:30 बजे जल्दी जाना है मुझे। 8:30 बजे चलो इसको थोड़ा जल्दी पहुँचा देते हैं, 10:30 बजे तक पहुँचा देते हैं। 150 किलोमीटर है, आप बताओ इसको मैं 1 घंटे में कैसे पहुंचा दूं। मेरे बार बार बोल रही है कि 1 घंटे में पहुंचा, 1 घंटे में पहुंचा। अरे 9:30 तक 1 घंटा होगा, तो 9:30 10 बजे तक पहुंचा दो। 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर। यस। गाड़ी में वजन है सांभा, रिस्क नहीं ले सकते हम। तो गाइस हम 2 दिन में पहुंच जाएंगे मनाली। नहीं पहुंचेंगे तो आज। तो आप लोग देखते रहना, 2 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे। और पूरी रात हो गई मुझे लगे हुए। कीर्ति ने भी बहुत मेहनत करी, बहुत काम था जो समेटना पड़ा, और फाइनली फिर हम निकल आए। फाइनली हम निकल आए, और खुशी इस बात की है कि हम लेट भी हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक टाइम पे हम पहुंच जाएंगे। हम उसी टाइम पे पहुंचेंगे जिस टाइम हम सर्दी में पहुंचते थे। नहीं, अगर हम रात में जिस टाइम सोच रहे थे उस टाइम पे अगर हम निकल पाते तो ये था कि थोड़ा स्टे लेते हुए आराम आराम से जाते, बट अब ये है कि अब हम स्टे वाला टाइम जो है वो बचाएंगे और नॉन स्टॉप भागेंगे बीच में बस। बीच बीच में बस ये है कि अच्छी अच्छी लोकेशन आएंगी, हाँ, तो बस, बस वही थोड़ा बहुत बढ़िया से नज़ारे दिखाएंगे। और असली नज़ारे तो बस चंडीगढ़ ख़त्म होते ही शुरू हो जाते हैं, वो नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। तो गाइज हम लोग करनाल पहुंच चुके हैं और गाड़ी जो है नॉन स्टॉप चल रही है, अभी तक हमने एक भी स्टॉप नहीं लिया है। अभी तक गाड़ी चल चुकी है करीब 125 किलोमीटर, और ये देखिए कर्नाटका की जा रही है अथार, पक्का ले जा रही है लेह लद्दाख, फुली लोडेड है गाड़ी। हम जहाँ तक उम्मीद है वाया क्या कहते हैं रोहतांग जाएंगे, रोहतांग पास जाएंगे, रोहतांग पास होते हुए जाएंगे। हाँ जी, और अगर होते हुए जाएंगे तो आपको तो जरूर दिखाएंगे। और मुझे पता चला है कि ट्यूसडे को रोहतांग जो है बंद रहता है, तो अभी देखते हैं क्या व्यवस्था है। तो हम वेडनेसडे को जाएंगे, पर जाएंगे जरूर, जाके मानेंगे हम, और आप लोगों को भी दिखाएंगे नज़ारे। वीक में एक दिन ऑफ रहता है क्योंकि बीआरओ जो है काम करते हैं अपना, बीआरओ इन सड़कों का जो है निरीक्षण करते हैं जो भी। यस, तो चलिए मज़े लेते रहिए बीच बीच में नज़ारों के, मैं ड्राइविंग करता हूँ। तो गाइज हमारा पहला ब्रेक हो गया है, कौन सी जगह है भाई? कुरुक्षेत्र पहुंच गए क्या हम? कौन सी जगह है मोटे? तो मोटे को भी नहीं पता कौन सी जगह है, करनाल से काफ़ी आगे आ गए थे हम लोग, और अम्बाला से पहले, नियर अबाउट अम्बाला है, यहाँ से मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर होगा। चाय पीने का बहुत मन कर गया और थकावट भी हो गई है, करीब 200 किलोमीटर गाड़ी चला दी मैंने, तो गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। तो चलो चाय का पूछते हैं भैया के पास है या नहीं। तो गाइस नानक जी का ढाबा है ये, यहाँ पे मुझे चाय मिल गई है, बहुत देर से ट्राई कर रहा था लेकिन रास्ते में कहीं मिल ही नहीं रही थी चाय, तो फाइनली यहाँ मिल गई। और यहाँ एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ है देखो, और मोटा तो गाड़ी में से उतर ही नहीं रहा, वो तो उसमें ही बैठा हुआ है। उसकी लड़के की आज जो है ना तबीयत ख़राब है, आज वो उसको सही नहीं लग रहा। तो गाइस चाय आ गई है और मोटो भी आ गया है, मोटो ने आते ही चिप्स खाए और देख भी रहा है इधर। बहुत मन कर रहा था, बहुत इच्छा कर रही थी, बहुत देर से ट्राई कर रहा था लेकिन
हाईवे के मतलब बराबर में मुझे कोई ढाबे वाला मिल नहीं रहा था। भूख तो नहीं लगी, बस सुस्ती सी आ रही है, तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं। और चाय मस्त है एकदम, गाढ़ी गाढ़ी टेस्टी। तो गाइस हमने चाय पी और ये देखिए लड़का चाय पी के नींद चढ़ी है। मम्मी को बहुत ज़्यादा वाली नींद आ रही थी। तो गाइस एक बहुत बढ़िया सी चाय मिली यहाँ पे, और अब चाय टी ब्रेक हुआ है और आप नहीं रुकेंगे। अब सीधा हम चंडीगढ़ रुकेंगे लंच ब्रेक के लिए। तो चलो बेटा, लेट्स गो। लेट्स गो विद एल्टो, लेट्स गो विद होंडा सिटी। पी लो बीडी विद होंडा सिटी। यस। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, जय श्री राम। तो गाइस अब आपको हम मिलेंगे अच्छे नज़ारों के साथ। प्लेन्स का के नज़ारे बहुत देख लिए, अब आपको दिखाएंगे हम हिल्स के नज़ारे। हिल्स प्लेन्स के नज़ारे देख लिए, अब एरोप्लेन्स के नज़ारे दिखाएंगे आपको। और मैं कैमरे के सामने इसलिए नहीं आ रही हूँ आज, क्योंकि मैं बहुत आज मेरा जो बेटा है वो थका हुआ है, और बिल्कुल भी और चेहरा ना अच्छा नहीं हो रहा, उतरा हुआ है एकदम से, क्योंकि ये रात में ही तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए ना, और मैं सो भी नहीं पाई क्योंकि निकलना था सुबह, तो बस ऐसे ही थोड़ा रेस्ट कर लिया था। बट मुझे मनाली जाना था आज किसी भी हाल में, तो मैंने दवा खा के थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हम निकल लिए। एंड ब्रो कुछ भी हो जाए, वी आर कमिंग। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वी आर कमिंग। हम लोग चंडीगढ़ से निकल चुके हैं, हम लोग रूपनगर पहुँच गए हैं, और अभी ने यहाँ पे एक स्टे लिया है क्योंकि उनको थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो वो कह रहे हैं थोड़ा फेस वेस वॉश कर लें ठंडे पानी से। और यहाँ पे जो है हमें 200 साल पुराना बरगद का पेड़ मिला है, इसकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं। और गाइस मेरे चेहरे, मेरी आवाज़, मेरी आंखें, और सबसे देख के पता चल रहा होगा। तो गाइस ग्रीनरी शुरू हो चुकी है, और आज कुछ ही देर बाद अब पहाड़ शुरू होने वाले हैं। तो हे गाइस, अभी रुके थे, बिलासपुर पहुंचने वाले हैं, और काफ़ी देर से कीर्ति रिकॉर्ड कर रही थी, मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था, और पहाड़ों पे एंट्री होने के बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाता है व्लॉगिंग करना और यू नो ड्राइविंग करना। तो अभी मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया है, गाड़ी के बाहर के व्लॉग में इसलिए शूट नहीं कर पा रहा आज, क्योंकि हमें किसी स्पेशल से मिलना है, वो हमारा वेट कर रहे हैं। तो बस मैं नॉन स्टॉप रुके चले जा रहा हूँ। चंडीगढ़ से पहले थोड़ा सा हम लोग चाय के लिए रुके थे, उसके बाद बिल्कुल नहीं रुके, और चंडीगढ़ में एक डेढ़ घंटे का घपला हो गया, वहाँ पे ट्रैफिक मिल गया, नहीं तो हम और आगे निकल चुके होते। और फाइनली पहाड़ों में पहुँच चुके हैं, और बस इन्हीं नज़ारों के लिए, इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। एकदम शांति, मिट्टी की खुशबू, और जो पेड़ों की बेसिकली खुशबू होती है, और इस टाइम तो ग्रीनरी बहुत है, अलग अलग तरीके की भीनी भीनी खुशबू आती हैं, और चिड़ियों के चहकने की आवाज़, ये सब कुछ बहुत सूदिंग लगता है। और पीछे का नज़ारा देखो, क्या ही नज़ारा है, मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूँ, एकदम मस्त दूर दूर तक के पहाड़। और थोड़ा ह्यूमिड हो रहा है, जिन भाई के पास मैं जा रहा हूँ उनका भी फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि ऊपर बारिश हो रही है, तो मेरे ख्याल से ह्यूमिडिटी की वजह से ये धुआं धुआं सा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ऊपर चलते हैं और बारिश का मजा लेते हैं फटाफट से। तो गाइस देखिए आप लोग कैसे एकदम काले काले बादल आ गए हैं, और काफ़ी जो है मौसम ख़राब हो गया है, और अभी तो बिल्कुल हमारी गाड़ी के बराबरी में ही
पहाड़ पे आग लगी हुई थी। देखिए आप, अगर आप देख सकते हैं तो आपको दिखेगा वहाँ, देखना दूर धुआं निकल रहा है। देखिए यहाँ पे एक जगह, तो अभी मैंने एक जगह ऊपर भी देखी थी, वहाँ भी जंगल में आग लगी हुई थी। और अभी बिल्कुल एक तो बिल्कुल हमारी रोड के बगल में ही, जब निकले हैं गाड़ी के बगल में ही रास्ते में लगी हुई थी आग, कीड़े जल रहे थे, पेड़े नहीं पेड़ पेड़ पौधे जल रहे थे। यहाँ से अगर दिखेगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, नहीं दिख रहा, उस साइड चला गया। एकदम खतरनाक बादल और बारिश शुरू हो गई है और जगह जगह ना पहाड़ों में आग लगी हुई है। ये रोड पे काम चल रहा है और ट्रैफिक बंद साइड कर रखा है, और ये सारे कंकड़ पत्थर जो है ना अभी ताजी ताजी डाले जा रहे हैं, वो भी सारे टायर नीचे पक्के पहुंच जाएंगे साथ हमारे साथ ही। टायर को मजबूत, हाँ टायर थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुल्लू और मंडी के बीच में, मैं ये एक डैम पड़ता है तो वहाँ पे पहुंच गए हैं। कितना प्यारा व्यू है यार, कितना ही प्यारा व्यू है, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। ये देखो वहाँ चोटियों पे ऊपर, ये चोटियों पे सब घर बने हुए हैं और नीचे ये हरे रंग का पानी है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। और ये वाली पीक देखिए आप कितनी बड़ी है, और ये जगह जगह घर बने हुए हैं, इसमें बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइस फाइनली लोकेशन आ चुकी है टनल वाली। तो गाइस रात हम पहुंच गए थे फाइनली, और मैं जिन स्पेशल भाई की बात कर रहा था उनसे भी मिल लिए। और रात हमारा मनाली जाने का बेसिकली प्लान था, बट थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो मनाली से पहले एक डोबी और कुल्लू के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ पे हम रुके हैं, ये कैंपिंग साइट है। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, तो मैं मिलवाता हूँ आपसे कि हम किसके पास आए हैं, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। तो हम आए हैं हेलो हिमाचली कपल के पास, कपल हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दीपक भाई और कुकू जी। कल भाई ने बहुत ही स्पीड में पहुंचाया, दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं, चलो जैसे तैसे मतलब पहुंच ही गए, बढ़िया हो गया, सारी दिक्कतों के बावजूद बहुत बढ़िया जगह में पहुंच गया। और अभी जो है रात को इन्होंने शायद ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, तो अभी सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बन रहा है हमारा, तो ये बनेगा। और बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए भाई को, और भाभी जी को देखिए, भाभी जी भी पीछे स्ट्रगल करते हुए पूरा, भाभी जी घर पे है अरे तो बस दोस्तों अब जो है ना पूरा धमाल होने वाला है, क्योंकि अभी तो मनाली में है, रायसर में है बेसिकली, तो दो गाड़ियाँ हैं आपने देखा ही होगा, और कैंप लगा हुआ है पूरा, अब गाड़ी में ही सोएंगे, गाड़ी में ही सब कुछ। तो बस पूरा मस्ती होने वाली है। अब हम यहाँ से निकलेंगे पहले लेह की तरफ, तो आज देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि टनल क्रॉस करके उसके बाद कैसा क्या माहौल मिलता है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, अगर हमारी जो एडवेंचरस ये जर्नी है इसका हिस्सा आपको बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जाएँ। तो चलिए मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लिविंग इन सेडान। बाय बाय।